चमत्कारिक है भगवती अम्मन मंदिर। यहाँ समुद्र के पास रात होते ही घटने लगती है विचित्र सी घटना। प्राचीन काल में यहीं आते थे लोग सन्यास धर्म की लेने दीक्षा। भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम से जुड़ी है भगवती अम्मन मंदिर की हजारों हजारों साल पहले की पौराणिक कहानी। यहाँ आते ही साधकों की खुद ब खुद नम हो जाती है आंखें और महसूस होने लगती है कुंडलिनी शक्ति की उपस्थिति। कहाँ है ये चमत्कारिक मंदिर जहाँ पहुँचे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी, और क्यों कहा जाता है भगवती अम्मन मंदिर को इतना रहस्यमय? जाने कैसे पहुँचा जा सकता है यहाँ, जानते हैं सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ भगवती अम्मन देवी का मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। पुराणों के अनुसार यही वो दिव्य स्थान है जहां देवी सती के शव का पिछला रीढ़ वाला भाग गिरा था। कहते हैं इसी वजह से इस क्षेत्र में कुंडलिनी शक्ति की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। जो इस रहस्य को जानते हैं वो यहाँ मीलों दूर से चले आते हैं ध्यान और साधना में लीन होने। कहते हैं व्यक्ति को यहाँ विशेष अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो मंदिर की अधिष्ठात्री देवी आदि शक्ति की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। मन की दुर्बलता हो या विचारों की कठोरता, यहाँ आते ही मुक्ति मिल ही जाती है। यहाँ आने वाले माँ आदि शक्ति के उपासक कहते हैं मंदिर को अर्घ देने तीन महासागर एक साथ कई बार मिलते हैं। भगवती कुमारी अम्मन यहाँ एक किशोरी के रूप में विराजित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बाणासुर के आतंक को खत्म करने के लिए देवी पराशक्ति ने कुमारी रूप धारण किया और एक भीषण युद्ध में बाणासुर को पराजित किया था। कहते हैं युद्ध के बाद नारद मुनि और भगवान परशुराम ने देवी से कलयुग के अंत तक धरती पर रहने का अनुरोध किया था जिसे देवी ने स्वीकार किया। माँ आदि शक्ति को भक्त कई नामों से पुकारते हैं, कोई इन्हें देवी कन्याकुमारी, कोई श्री बाला भद्रा, श्री बाला और देवी कुमारी जैसे नामों से पुकारता है। पौराणिक कथा के अनुसार कौमार्य और तपस्या की देवी के इस मंदिर की स्थापना भगवान विष्णु के छठे अवतार और भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने की थी। कहा जाता है हजारों सालों से लोग यहीं से सन्यास की दीक्षा लेते थे। कहते हैं कुछ हिंदू पंथों ने इस परंपरा को आज भी कायम किया हुआ है। जब आप यहां आएंगे तो आपको मंदिर परिसर में भगवान सूर्य देव, भगवान गणेश, भगवान अयप्पा, देवी बाला सुंदरी और देवी विजया सुंदरी के भी दर्शन होंगे। भगवती कुमारी अम्मन से जुड़ी एक ही मंदंती कहे या चमत्कार, समुद्र किनारे आए नाविकों ने अनुभव किया है कि जब वो समुद्र में रास्ता भटक जाते हैं तो दूर अंधकार में उन्हें एक प्रकाश का पुंज दिखाई देने लगता है और वो उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे चले आते हैं और आखिरकार पार उतर जाते हैं। कोई कहता है कि ये रोशनी, ये प्रकाश देवी कुमारी के आभूषणों से, खासकर उनके हीरे की नत की चमक से आती है। लेकिन ये सच है या भ्रम, ये रहस्य आज भी भगवती अम्मन देवी और उनके इस स्थान से जुड़ा हुआ है। अगर आप देवी भगवती अम्मन के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप यहाँ तिरुवनंतपुरम, मदुरई, कोयम्बटूर, पुदुचेरी और चेन्नई, कन्याकुमारी बस स्टैंड, पुथुग्रामम कहीं से भी आ सकते हैं। कन्याकुमारी स्टेशन से ये मंदिर लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए यहाँ नियमित बसें चलती हैं। आप यहाँ तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से भी पहुंच सकते हैं और चाहे तो ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, भाग्यशाली ही कर पाते हैं भगवती अम्मन मंदिर के दर्शन। कामना करते हैं जल्द ही आपको भी माँ आदि शक्ति के दर्शन करने का सुख सौभाग्य मिले। माँ आदि शक्ति के इस चमत्कारिक मंदिर के बारे में अपने मित्रों और परिजनों को अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय माँ भगवती अम्मन देवी की।